मैंने अपना ट्रिप प्लान किया ओले उत्तराखंड में, स्टे किया आरएम रिजॉर्ट के साथ और प्लान किया रोपवे जो कि कोस्ट करता है 1000 और सीधा कहाँ जाता है आपका स्की लोकेशन के लिए। अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं इस लोकेशन पर पहुँचने के लिए और आप देख सकते हैं व्यू नंदा देवी माउंटेन रेंजेस का। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यम रिजॉर्ट्स, इनके साथ मैं रुकी हूँ। सो ये पड़ता है ओली में, ओली से कुछ 4-5 किलोमीटर नीचे, मतलब ऊपर टच है पूरा ओली का। और मेरे यहाँ पे ना कल पूरी रात बारिश हुई है और इवन 12:30 तक बारिश हुई है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं आज एक्सप्लोर कर पाऊँगी कि नहीं, बट फाइनली इट्स द टाइम जहाँ बारिश रुकी है और मैं अपने कमरे से निकली हूँ नहा धो के। मैं भी वेट कर रही थी बारिश रुकने का, या मैं कहूँ मैं लेट उठी हूँ, मैं लेट लेती हूँ आज के लिए। तो दिस इज़ माय रूम मेरे पीछे एंड मेरे सामने बहुत ही प्यारा व्यू है यार। मतलब मैं क्यों दिखाऊँ, आपको व्यू दिखाती हूँ। सो दिस इज़ लाइक, मतलब कल ना यहाँ बारिश हुई है इसलिए व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है कि मैं आपको एक्सप्रेस तक नहीं कर सकती, आप खुद देख पा रहे हो। कल ना बिल्कुल भी पहाड़ी के टॉप में ना बर्फ़ नहीं थी, इस वक्त पहाड़ियों के टॉप पर बर्फ़ आ चुकी है बिल्कुल टॉप टॉप साइड पे। कल सिर्फ वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर बर्फ थी, बट अभी पूरी पहाड़ियाँ जो है ना ऑलमोस्ट ऊपर से बर्फ़ से ढक चुकी हैं। और अभी भी पता है सूखा नहीं है सब कुछ एंड मुझे धूप आ गई, थैंक गॉड। आज मैं नई जगह एक्सप्लोर करने जा रही हूँ इन लोगों के साथ एंड कल ये प्रॉपर्टी पूरी फुली ऑक्यूपाइड थी। मुझे लगा था इतने लोग आते हैं, ओ माई गॉड, आई वॉज सो सरप्राइज कि यहाँ तक लोग आते हैं, बिकॉज नेचर इतनी खूबसूरत होती है आपको लेकर ही आ जाती है। सो आपको पता है मेरा रूम तो मेस्ड अप है, नहीं तो मैं वापस, अगर आपने मेरा रूम टूर नहीं करा तो आप लास्ट ब्लॉग में मेरा रूम टूर देख सकते हैं। एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द डे बिकॉज देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर टुडे। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है सुबह का एंड ये मेरे 1 घंटे से वेट करिए क्योंकि मैं फ्रेश हो रहा था, मैं बहुत टाइम लेता हूं। सो गाइस फ्रेश की बात छोड़ो, वी हैव सैंडविचेस, वी हैव परांठा, ये पनीर परांठा है, ये अनियन और ये शायद पनीर है और अनियन और प्याज का परांठा है एंड लेट्स जस्ट हैव द ब्रेकफास्ट। अब ये लड़का नहाया तक नहीं है देखो। तो यार क्या करना है इतनी ठंड में, कौन नहाता है, शट अप मैन। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गंडोला राइड पर जो कि एक रोपवे है जो कि मेरे होटल से कुछ 8 से 9 किलोमीटर नीचे है। बेसिकली ये जा रहा है आपका ओली मेन, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। ये अपना बिजी है, तुम किस चीज़ में लगे हुए आज सुबह से, या उसने सुबह से हमसे कोई बात नहीं करी है आज सिवाय खाने पीने को लेके, बस। अभी तक तुम्हारा कैमरा भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये मैं तुम्हारा कैमरा ले जाऊँ नेक्स्ट ट्रिप पे अपने साथ। ये देखी शक्ल देखो, इसकी शक्ल बन जाती है जब मैं उसकी चीज़ें मांगती हूँ तो। सो गाइस सिम की जो पार्किंग है ना कुछ इस टाइप की है, अब तो यहाँ कोई चार्ज करने वाला मिला नहीं है, सो वेरी लिमिटेड कार कैन कम हियर। सो गाइस ये जो स्टार्ट होती है ना, ये लोअर टर्मिनल जोशीमठ से स्टार्ट होकर आपका ये स्काई की रिजॉर्ट्स के लिए, मतलब यू नो यू कैन एक्चुअली गो स्काई की रिजॉर्ट्स ऑल्सो स्टे देयर, क्योंकि ये बेसिकली जो है ये स्काई लिफ्ट है, क्योंकि लोग स्की करने जब जाते हैं, नॉट स्काई स्की, जब लोग स्की करने जाते हैं तो बेसिकली यहाँ से जाते हो कि बर्फ़ इतनी हो जाती है कि जोशीमठ से गाड़ी ऊपर जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन दिनों के लिए। सो गाइस हम ऊपर चढ़ चुके हैं एंड आप लोग नीचे का व्यू देख सकते हो विच इज एक्चुअली मार्वेलस एंड लुक एट दिस। सो गाइस हम ऊपर चढ़ चुके हैं, आप ऊपर से नीचे का व्यू देख सकते हो। मेरी कॉपी पे स्टार्ट होता है लड़का, बोलो कॉपी पेस्ट कहेंगे मेरे, ये लड़का ना जैसे मैं कैमरा ऑन करूँगी कैमरा ऑन करेगा, जो मैं बातें बोलूंगी वो ये बातें बोलेगा। कॉपी पेस्ट की दुकान, कॉपी कैट, सीरियसली। सो गाइस ये राइड मुझे पड़ी है 1000 की, तो आपको अगर ये राइड करनी है और आपको ये व्यू देखना है, आपको ओली जाना है जोशीमठ से, तो 1000 आपको कॉस्ट करेगा, मतलब अगर स्की करने जा रहे हो तो 1000 इज अ कॉस्टिंग यहाँ ऊपर चढ़ने। सो गाइस जो आपका मेन स्की पॉइंट जहाँ से लोग रहते हैं वो वहाँ रुकते हैं, वो पीछे वाली जगह पे एक्चुअली में, यहाँ पे छोटी सी लेक है मेरे सामने एक्चुअली मैं उस तरफ, और ये वाली जो स्की वाली राइड्स हैं वो नीचे से जाती हैं जो दो जनों की होती हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं, द पॉइंट इज़ हियर। अब घोड़ों में ऊपर पॉइंट देखने जाते, मतलब ऊपर से वहाँ देख, घोड़ा कहाँ तक जाता है भैया,
ऊपर क्या है? ऊपर देखने लायक व्यू है, व्यू है। और क्या चार्जेस हैं आपके हॉर्स के? अच्छा, थैंक यू। सो गाइस, अगर ऊपर आप व्यू देखना चाहते हो तो आप घोड़ा भी ले सकते हो, प्लस आप यहाँ देख ही सकते हो कि मेरे आसपास जो व्यू है वो बहुत ही ब्रेथटेकिंग है। अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊं तो मैं नीचे की तरफ से आया हूं। रमन, अगर तुमने इस चीज़ का आंसर ढंग से दिया तो तुम्हारे जो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। कल रात को हारी है वैसे, 500। अब वही शर्त हम ना ब्रो बना नहीं सकते ना इसमें, ठीक है? तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अगर अमन, तुमने इस चीज़ का आंसर ढंग से दिया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। एंड श्योर मैं तुम्हें 500 रुपए सच में दूंगी। तो मुझे ये बताओ कि हमें ऊपर पहुँचने में कितने मिनट लगे? हमें ऊपर पहुंचने में 4.5 मिनट लगे हैं। घड़ी चेक करके बता लो, मैं तुम्हें घड़ी चेक करने का मौका देती हूँ। मैंने चेक थोड़ी किया था। हमें ऊपर पहुंचने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं। तुम्हारा आंसर गलत है। सो गाइस, पता है यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे बर्फ गिर रही है और मेरे को लग रहा है, हाँ मैंने देखा, जस्ट गिर रही है। तो पता है, अगर मैं कहूँ ना, मैं अगर गीली हो जाऊँगी, मैं इसी जैकेट में ऐसे यहाँ बैठी रही, क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। एंड आई एम वेरी लकी कि ये फर्स्ट मौसम का सेकंड स्नोफॉल है, मतलब इस मौसम का सेकंड स्नोफॉल है ओली का। से जैसे हम ऊपर आए थे तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग कहते हो हम ना फ़ोन साइलेंट रखने के लिए, बड़े कभी रखता नहीं है, सिवा रात के, वो इतना सुन लेता है मेरी बात। So guys, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्नोफॉल बहुत तेज हो रहा था और ये लास्ट राइड है यहाँ की, लास्ट बोर्डिंग था ये यहाँ का। एंड हमें नीचे पहुँचने में लगेंगे 20 to 25 मिनट्स, उसके बाद हम अपने स्टे पे वापस चले जाएंगे। और आप लोगों को बताऊंगा मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, नहीं पता तो चेक करो मैं लास्ट व्लॉग में। और इसके अलावा अगर आप ओली आ रहे हो, मतलब अगर आप जोशीमठ भी आ रहे हो, तो ये जगह बिल्कुल मत मिस करना, इट्स वर्थ कमिंग गाइस। तो स्नोफॉल को टाटा बाय बाय, बिकॉज हम नीचे जा रहे हैं एंड वी गोना सी नाउ द रेनफॉल, स्नोफॉल रेनफॉल में बन जाए, क्योंकि अभी नीचे इतना टेम्परेचर नहीं है। हम ऊपर -degree में थे, -2 के आसपास, अब नीचे हम लाइक पॉजिटिव पहुँचेंगे तो हमें स्नोफॉल नहीं मिलेगी। But it was absolutely amazing. You must plan your next trip only or snowfall basically. So guys, अब बारिश बहुत तेज हो रही है, it's time to go back. मेरी टॉपी गीली हो चुकी है, बर्फ गिरी थी, इसमें स्नोफॉल हुआ था। एंड बारिश यहाँ इसलिए हो रही है कि यहाँ पे -degree नहीं है, और ऊपर स्नोफॉल मिला के वहाँ पे -degree था। एंड लेट्स जस्ट गो बैक। और मैं इससे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, इसका इसका आंसर प्रीटी श्योर है, बताओ, इसलिए मैं कोई 500 रुपए की शर्त नहीं रखूंगी। सो हम जिस रिजॉर्ट में रुके, इसका नाम क्या है? What is this question? RM Resorts है। अरे मुझे पता था, इसलिए मैंने 500 रुपए की शर्त नहीं रखी। चलो लेट्स गो, आई होप तुम्हें मजा आया होगा ऊपर जाके। इट वॉज वर्थ इट, लाइक 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना। Okay. मतलब पर हेड, हाँ 500 जाना, 500 दैट्स फाइन।